Good morning, children. Today I'm going to read the chapter number 4 of Beehive, A Truly Beautiful Mind. This is about the life of the great physics scientist Einstein. So you may have heard the name of the scientist Albert Einstein, hopefully. So today we will discuss about the story of life story of Albert Einstein. So let's start with me. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. On her, his head seemed much too large. तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ था. वह एक सामान्य से दिखने वाला बालक था और उसकी जो माता थी वह उसे अजीब मानती थी. फ्रीक मतलब अजीब या विचित्र. उसने बहुत देरी से बोलना शुरू किया और जो उसका सिर था वो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से बड़ा था. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. और जब वो 2.5 साल का था तब तक वो बोलना नहीं जानता था. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. और फाइनली जब उसने बोलना शुरू किया, जब उसने बोलना सीखा तो वो हर बात को दो बार बोलता था. आइंस्टाइन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. और उसे आइंस्टाइन को कभी समझ नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करें, यानी कैसे खेले. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उसके जो साथ वाले बच्चे थे वो उसका मजाक बनाते थे और उसे बोरिंग ब्रदर के नाम से बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिम सेल्फ मच ऑफ द टाइम. तो इसलिए वो हमेशा अकेला ही खेलता था. ही स्पेशली लव्ड मकैनिकल टॉयज. और बेसिकली उसे जो मकैनिकल खिलौने होते हैं उनसे खेलना बहुत पसंद था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर ही माजा ही इज सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. तो जब उसकी सिस्टर पैदा हुई, छोटी बहन जिसका नाम माजा था, तो उससे पूछा गया कि आपको कैसी लगी अपनी सिस्टर. तो वो कहते हैं हाँ ये अच्छी है बट इसके व्हील कहाँ हैं, तो उसके पहिए कहाँ हैं. यानी वो उसको भी एक मैकेनिकल टॉय समझ रहा था क्योंकि उसे मैकेनिकल टॉयज पसंद थे. तो हर टाइम उसके माइंड में वही चलता था. ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वो आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. तो एक हेड मास्टर थे उसके स्कूल के, तो उन्होंने बोला था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइंस्टाइन अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशन या अपने करियर में कुछ भी चुने वो, यानी कुछ भी बन जाए, ये गारंटी है, ये निश्चित है कि उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी. आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. 6 साल की एज में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया, गिटार, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी चाहती थी. ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और बाद में उसको अच्छे से बजाना आ गया गिटार और उसने वो अपने शौक के लिए वायलिन को बजाता था. अमेच्योर होता है कोई भी चीज़ अपने शौक के लिए करना, एज ए प्रोफेशन नहीं करना. कुछ प्रोफेशनल्स भी होते हैं ना, गिटार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, तो वो प्रोफेशनल नहीं था, सिर्फ अपनी शौक के लिए बजाता था. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा छात्र नहीं था. प्यूपिल यानी स्टूडेंट, छात्र. He went to high school in Munich, where Einstein family have moved when he was 15 months old.
तो आइंस्टाइन ने म्यूनिक के एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया। जब वह 15 महीने का था तब उसकी फैमिली कहाँ पर मूव कर गई थी, यहाँ आ गई थी, इस सिटी में आ गई थी। कहाँ? म्यूनिक में। तो उसने वहाँ के ही एक स्कूल में एडमिशन ले लिया एंड ही स्कोर गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाता था। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेगिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर। और आइंस्टीन को स्कूल के जो रूल और रेगुलेशंस थे, जो वहाँ का कठोर अनुशासन था, रेगिमेंटेशन यानी कठोर अनुशासन, वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अधिकतर उसकी अपने टीचर से इस बात के लिए बहस भी हो जाती थी, झड़प हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ स्टिफल देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की एज में उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव। जब आइंस्टाइन 15 साल का था तो उसके पेरेंट्स ने म्यूनिक को छोड़ दिया और वो मिलान चले गए, मिलान। और इसलिए आइंस्टाइन को उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन एन सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। और एक बहुत लंबी चौड़ी वार्तालाप के बाद आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी को जारी रखने का डिसीजन लिया। और वो भी कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि ये जगह म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लोग रहते हो, यानी वहाँ पर ज़्यादा खुलापन था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। आइंस्टाइन को मैथ्स में उसे बहुत पसंद था, मैथ्स उसका बहुत अच्छा था, फिजिक्स में उसे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत अच्छे से वो करता था फिजिक्स को। और जब उसका स्कूल ख़त्म हो गया तो उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का डिसीजन लिया, पढ़ने का डिसीजन लिया, जो कहाँ पर थी? ज्यूरिक में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली दैट थिंग ही दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टाचे। लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें उसे इंटरेस्ट था या जो उसे आकर्षित करती थी। किसको? आइंस्टाइन को। आइंस्टीन का यहाँ पर हमें थोड़ा सा बताया गया है कि वो दिखने में कैसे थे, डैशिंग यंग मैन, बहुत ही स्मार्ट नौजवान, जिसकी क्या थी? वॉलरस मुस्टाचे, लटकी हुई मूछें, यानी वो बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये पिक्चर है आइंस्टाइन की जब वो 21 की एज में थे और ये पिक्चर है जब वो ये पिक्चर उनकी काफ़ी वायरल है जिसको हम जानते हैं, ये उनकी जब वो 21 साल के थे। तो आइए नीचे चलते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक। उनको अपनी एक सहपाठी जिसका नाम मिलेवा मैरिक से, उससे भी बड़ा लगाव हो गया था, वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। हु ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिस वो उनका मानना था कि वह भी उनकी तरह ही बुद्धिमान है। हुम ही फाउंड दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री। वो भी कहाँ आई? वो भी स्विट्जरलैंड आई थी। कहाँ से? सर्ब से। क्यों? क्योंकि ये ज्यूरी के बहुत उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में थी यूरोप की जहाँ पर वुमेंस को डिग्री मिलती थी, यानी यहाँ पर वुमेंस भी डिग्री ले सकती थी, पढ़ सकती थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एली एली अगेंस्ट द फिलिस्तेंस दोज प्यूपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी दोज प्यूपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद होम ही हैज़ कॉन्स्टेंटली एट ओड।
और एल्बर्ट को वो अपने जैसी लगती थी क्योंकि उसे भी वहां की बहुत सी चीजें अजीब लगती थी। द कपल फॉल इन लव और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स और उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस और कैसे वर्ड्स में उन्होंने किया, जिसमें उनका साइंस और उनकी जो उनकी जो सॉफ्टनेस थी या जो उनका अपना एक तरीका था उसको उन्होंने उसमें शो किया लेटर में। किसको लिखा लेटर आइंस्टाइन ने, जो मिलेवा मैरिक थी। आइंस्टाइन रॉट, आइंस्टाइन ने लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। और उन्होंने लिखा था कि कितना अच्छा होगा कि कितना यह कितना खुशनुमा होगा और मुझे कितना गर्व होगा, मुझे इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए कि हम दोनों साथ मिलकर एक जैसा काम कर सकते हैं और जो कि एक बहुत ही अच्छा कुछ प्रोडक्टिव जिसका रिजल्ट होगा, विक्टोरियस कंक्लूजन यानी जिसका कोई बहुत ही सफल परिणाम निकले, विक्टोरियस कंक्लूजन सफल परिणाम। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 में वो 21 साल के थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेजुएट कर लिया था बट वो बेरोजगार थे। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और फाइनली 1902 में उन्हें पहले वो क्या करते थे, प्राइवेट टीचिंग करते थे, वो प्राइवेट एक जगह संस्था में पढ़ाते थे और फाइनली 1902 में उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली। कहाँ पर, पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस होता है वो जगह जहाँ पर लोग रिसर्च करते हैं और अपने जो जो भी उनका नई इन्वेंशन होती है, खोज होती है, उसको वो वहाँ पर अपने नाम से रजिस्टर्ड कराते हैं, उसको पेटेंट के ऑफिस कहते हैं। कहाँ पर, बर्न में। वाइल ही वो सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, जहाँ पर वो लोगों दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को देखते थे, जांचते थे, लेकिन असलियत में आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। वो गुप्त रूप से अपने आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और जिस डेस्क पर वो काम करते थे, जहाँ वो बैठते थे, उस डेस्क को वो मजाक में क्या कहते थे, वो उस डेस्क को बोलते थे कि ये मेरी ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स है, यानी वो जगह जहाँ पर मैं फिजिक्स के सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स यानी आपको सब जहाँ पर मिलेंगे, ब्यूरो यानी जहाँ पर किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन मिले। वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 वो आइंस्टाइन स्पेशली थियोरी ऑफ रिलेटिव अकॉर्डिंग टू इन विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time. और जो आइंस्टीन की 1905 में एक स्पेशल थियोरी उन्होंने दी, किसके बारे में, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। उन्होंने बताया कि जो समय और दूरी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, यानी उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। और उन्होंने बताया कि अगर हम दो क्लॉक ले और एक जो है वो बहुत वे दोनों एक जैसा टाइम शो नहीं करेंगी, अगर उनकी जर्नी के जो स्पीड है उस में अगर डिफरेंस हो, यानी एक तेज चले और एक स्लो चले, तो दोनों का टाइम डिफरेंट होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और उनका सबसे जो विश्वविख्यात फॉर्मूला है वो किसके रिलेशन को लेकर है, मास और एनर्जी को लेकर, जो था E इज इक्वल टू एम सी
स्क्वायर। व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। और जब आइंस्टाइन फिजिकल की बहुत फिजिक्स की बहुत भौतिकी की बहुत नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पर उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो अनरिवेलिंग होता है मतलब कि वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, उसमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी, वो फेल होने स्टार्ट हो गई थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवर राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। एल्बर्ट अपनी पढ़ाई के बाद शादी करना चाहते थे मिलेवा से लेकिन उनकी मदर इसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और उनका मानना था कि मिलेवा जो कि आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगती थी, ये बहुत ज़्यादा लगता था उन्हें कि वो 3 साल बड़ी है। ही वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवा इंटेलिजेंस और वो मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। शी इज़ बुक लाइक यू और वो कहती थी कि वह भी तुम्हारी तरह किताब एक किताब है। हिज मदर सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ और इसलिए आइंस्टाइन ने शादी करने का इरादा छोड़ दिया, उसने टाल दिया शादी को। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स और फाइनली 1903 में जो साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन उन्होंने शादी की मिलेवा से और उनके 2 बेटे थे। बट ए फ्यू ईयर लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड और कुछ सालों के बाद ये शादी कमज़ोर पड़ने लगी। मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन और क्योंकि इसी के शादी के साथ ही जो उनके अपनी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में पर्सनल लाइफ में उसकी वजह से मिलेवा अपनी जो इंटेलिजेंस थी इंटेलेक्चुअल जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वह उसको खोती जा रही थी और इसलिए वो एक दुखी गृहिणी बन गई थी, अनहैप्पी हाउसवाइफ। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919 और 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कपन एल्सा द सेम ईयर और उसी साल में आइंस्टाइन ने अपनी एक कज़िन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइड विद हिज राइज द वर्ल्ड फेम। इन 1950 ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को लेकर गुरुत्व बल को लेकर उन्होंने 1915 में एक पेपर पब्लिश किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट और 1919 में ये साबित हो गया, एक सूर्य ग्रहण से साबित हो गया कि ग्रेविटी को लेकर जो उनका इंटरप्रिटेशन था जो उनका अनुमान था वह बिल्कुल सही था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड एंड एडवांस द एक्सटेंट ऑफ विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन ने यह सही गणना कर ली थी कि स्थिर सितारे फिक्स स्टार से कितने समय में सूरज गुरुत्व बल के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, यानी उन्होंने पता लगा लिया था कि जो फिक्स स्टार होते हैं कितने टाइम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सूरज का उससे जो प्रकाश है उसका अपवर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन और जिस न्यूज़पेपर में वो न्यूज़पेपर्स ने उनकी इस थियरी को क्या बोला था, साइंटिफिक रिवोल्यूशन यानी साइंटिफिक साइंस की क्रांति बोला था। आगे चलते हैं। आइंस्टाइन रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 और उनको नोबल प्राइज़ भी मिला था किसके लिए, फिजिक्स के लिए। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड विद बाय द प्रेस और उनको बहुत सम्मान मिला और वो बहुत ज़्यादा सम्मान के और दुनिया भर से मिलने वाले इन्विटेशंस, उनको दुनिया भर से प्यार मिलता था, सम्मान मिलता था और दुनिया भर से उनको इन्विटेशन आता था। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933 आइंस्टाइन इमाइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट और जब जर्मनी में नाजीज जो है वो पावर में आ गए 1933 में तो आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट कर लिया, यानी वो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चले गए।
5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicist is an uproar. और उसी समय पर एक इंसिडेंस हुआ कि 5 सालों तक बर्लिन में जो है वो नाभिकीय संलयन होता रहा, न्यूक्लियर फिशन. और मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे आर अफ्रेड द नाजिश कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम. और उस टाइम पर सभी लोग को ये डर था कि जो नाजिस है, जर्मनी का जो एम्परर था, वो एटॉमिक बम ना बना ले, वो एटॉमिक बम का विकास ना कर ले. तो इसका खतरा था, सभी को इस चीज़ का खतरा था. एट द अर्गिंग ऑफ ए कोलीग, एक अपने सहायक के आग्रह पर आइंस्टाइन रॉट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवॉल्ट ऑन ऑगस्ट 1939, इन विच ही वॉर्न ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप. और अपने कुलीग के कहने पर आइंस्टाइन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रोजवॉल्ट, उनको इस खतरे से आगाह करता है. कब? 2 अगस्त 1939 को. Explode in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His word did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, August 1945. और जब वो जो राष्ट्रपति है उनको आगाह करते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि जो रूजवेल्ट होते हैं वो इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो चेतावनी देते हैं कि परमाणु बम का खतरा है हमें जर्मनी से. तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, सीक्रेट तरीके से एक परमाणु बम बनाते हैं, एटॉमिक बम बना लेते हैं. और 1955 अगस्त में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शाकी शहर पर उसको गिराया जाता है. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन. और इस तबाही से आइंस्टाइन बहुत विचलित हो गए थे. दिस टाइम ही रॉट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन. और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नाम एक लंबा पत्र लिखा. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. अनलाइक द लेटर ऑफ रोजवॉल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. और उन्होंने ये सलाह दी कि एक विश्व सरकार बनाई जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इससे आहत थे, जो इतना ज़्यादा सब कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ था. बट इस बार उनके इस लेटर की का कोई प्रभाव नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और इसके बाद वो राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और बहुत अधिक हिस्सा लेने लगे, उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा. एजाइटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और जो उनकी जो ख्याति थी उसको शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए पॉलिटिक्स में यूज किया जाने लगा. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. और जब 1955 में 76 साल की एज में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, तो लोग उन्हें महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य दृष्टा और एक विश्व नागरिक के रूप में भी याद करते हैं. तो ये थी पूरी लाइफ स्टोरी ऑफ आइंस्टाइन. चैप्टर को पढ़िएगा. थैंक यू.